ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रीरामकृष्ण विद्यासागर से कह रहे हैं, तुम जो काम कर रहे हो ये सब अच्छे कर्म हैं। यदि मैं करता हूँ इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है। यह कर्म करते करते ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार से निष्काम कर्म करते जाओगे तो ईश्वर लाभ भी होगा। कर्म दो तरह से किए जा सकते हैं। मैं अमुक अमुक हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे ये माता पिता हैं, मेरी ये इच्छाएं हैं, मुझे ये सब करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये छोड़ना है, इस भाव से। और दूसरा भाव है, परमात्मा ही मेरे सर्वस्व हैं, परमात्मा ही सर्व हैं, सर्वेश्वर हैं, वो मुझ में बैठकर मेरी अंतरात्मा बनकर सब कर्म कर रहे हैं। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ पाना नहीं, मुझे कुछ छोड़ना नहीं, कहीं से भागना नहीं, किसी की तरफ भागना नहीं। इंद्रियां अपने गुणों में वर्त रही हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते होता है, जैसा भगवान कह रहे हैं तीसरे अध्याय में कि मैं करता हूं। ये केवल एक विचार है, पृथ्वी स्वयं ही अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य देव के चक्कर भी लगा रही है, वो कुछ कर नहीं रही है, ये हो रहा है। उसी तरह मन स्वभाववश गुणों के वश में होकर, अपनी प्रकृति के वश में होकर विचार आदि प्रकट कर रहा है, हो रहा है। उसमें अहम भी, अहम का अर्थ है मैं शरीर, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, अहम भी अपने स्वभाववश ही कार्य कर रहा है। जब अहम के साथ प्रकाश का संपर्क होता है तो मैं अमुक अमुक हूँ, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो करना है आदि भाव उत्पन्न होते हैं। जब आप अहम से विरक्त होते हैं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इन दो विचारों से, ये केवल क्षणिक विचार मात्र ही हैं, आप जब विरक्त होते हैं, इन्हें छोड़ते हैं, तो समझ आती है बात, अनुभव में आती है बात कि गुणागुणेषु वर्तन्ते, या परमात्मा ही सब कर रहे हैं, या माँ ही सब कर रही हैं, या कुछ हो ही नहीं रहा, कोई कर नहीं रहा,
केवल गुण गुणों में वर्त रहे हैं। कोई भी भाव जो आपको अच्छा लगे, आप उसको समझने लगते हैं, ग्रहण करने लगते हैं। इस भाव से कर्म करने से ज्ञान परिपक्व होता है, भक्ति दृढ़ होती है। और श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर लाभ, जो इस जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, प्राप्त होता है। कैसे करें इसको? प्रार्थना करके करें। एक बात, वस्तु विचार, विवेक विचार करके करें। भगवान से प्रार्थना करें कि आप हटाओ इस अहम को, मुझे नहीं चाहिए। मन को उनके प्रेम में, समर्पण में, प्रार्थना में, भक्ति में ऐसा तल्लीन कर दो कि अहम भूल ही जाए, अपनी पकड़ छोड़ दे, या विचार में अपने को इतना विलीन कर दो, सत्य में ऐसा विलीन कर दो। खुद से पूछो, अभी अभी मैं करता हूँ, अगर मैं इस विचार को छोड़ता हूँ तो मुझे क्या अनुभव होता है? कुछ देर के लिए परम शांति। सब संकल्प खत्म हो जाते हैं या नहीं? मैं भोगता हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ पाना है, ये विचार छोड़ दें तो क्या अनुभव होता है? मैं अभी यहीं परिपूर्ण हूं। केवल ये अहम के, मेरेपन के विचार ही तो पकड़े हुए थे। मैं कितना करते हैं हम, और वो एक क्षणिक विचार ही है। और इस विचार के साथ जब हम एकात्म भाव कर लेते हैं, एक हो जाते हैं, इसमें जब खो जाते हैं, तो कर्मों का कैसा तांता लगता है, कैसा जाल बिछ जाता है, पूरा जीवन भागते रहते हैं। मैं ये हूँ, मुझे यहाँ यहाँ पहुँचना है, उसके लिए मेरे को ये कर्म करने हैं। ये तीन बातें ही तो हैं जिससे सारा जंजाल कर्मों का, जो भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई बच्चों में खोया है, कोई मित्रों में, कोई पति पत्नी में, दूसरे संबंधों में, कोई सेवा के भाव में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को ले लो, अच्छा हृदय, अच्छे भाव, पर ये भाव मुक्ति नहीं देते हैं। मुक्ति तो सत्य का भाव ही देता है कि कर्तापन, भोक्तापन, ये भी अनित्य विचार मात्र हैं, कल्पनाएं हैं केवल। इन कल्पनाओं को छोड़ना है अभी, और छोड़ते हैं तो क्या अनुभव होता है? परमात्मा में मन विलीन हो जाता है। कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। आप नित्य का अनुभव करते हैं जब अनित्य से वैराग्य होता है। तो वैराग्य का अर्थ केवल बाह्य वस्तुओं से वैराग्य की बात नहीं है, अपने मन की आसक्ति से, मन में मेरेपन से, मैंपन से, इच्छाओं को, अपेक्षाओं से वैराग्य। छोड़ दें अभी, अभी जीवन मुक्ति मिल जाएगी। आत्मानुभव तो ऐसे है, चुटकी में ऐसे आप देख सकते हैं, अनुभव में कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, हाथ पे रखा नींबू, आंख खोल रहे हैं, सामने जो भी दिख रहा है प्रत्यक्ष है,
आप उसको सत्य मान रहे हैं। उसी तरह जब इन सब विचारों को अहम मेरा आदि को छोड़ते हैं तो अपना सत्य अनुभव में आता है। नहीं छोड़ पाएंगे तो नहीं आएगा। भगवान हम पर कृपा करें कि हमारे सारे कर्म निष्काम हों, हम सब कुछ अकर्तापन अभोक्तापन से करें और हमें ईश्वर लाभ हो, हमारा मन सदा उनमें रमा रहे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ओम तत्सत।